नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है क्योंकि आज मेरा ब्रह्म कुमारी जी के आश्रम के अंदर आना हुआ। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम यहां पे किया गया था, तो मेन जो है जो दीदी जी हैं यहाँ पे, पूनम दीदी जी, उनसे इस बारे में बात करेंगे कि ब्रह्म कुमारी का जो मेन पर्पज है, जहाँ पे आपको मोस्टली सबको पता है कि जितनी भी संस्थाएं हमारे इंडिया के अंदर और आउट ऑफ इंडिया खुली हुई है, तो मेन ब्रह्म कुमारी का पर्पज क्या है, ये लोगों को किस तरह से जीने की कला सिखाती है, जीवन को कैसे जिया जाए। तो मेरे साथ है दीदी जी, उनसे बात कर लेते हैं। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, थैंक यू। तो दीदी जी, आज जो प्रोग्राम हुआ महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आपने करवाया, तो उसके बारे में थोड़ा सा, जो देख रहे हैं, जिन लोगों को पता है वो तो जानते अच्छे से, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्म कुमारी के अंदर लोगों का आना हो और अच्छे से जीवन को जीना सीख जाए, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ब्रह्मा कुमारी का जो आज का प्रोग्राम था वो बेसिकली शिवरात्रि के ऊपर था। तो शिवरात्रि का जैसे बहुत पावन पर्व माना जाता है भारत में, और शिव की बहुत पूजा भी होती है, तो इतनी पूजा शिव की क्यों करते हैं और इसका हमारे जीवन में उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में आज हमने ये प्रोग्राम किया था। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो हमारी लाइफ की नेगेटिव एनर्जीज हैं, जैसे स्ट्रेस है, एन्जाइटी है, डिप्रेशंस हैं, या और भी जितनी नेगेटिव एनर्जीज हैं, उसको कैसे हम ओवरकम कर सकें, उसके लिए शिव के साथ हम मेडिटेट करते हैं, उसके साथ योग लगाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो ब्रह्म कुमारी जी है, जो संस्थाएं चला रहे हैं, संचालिका हैं आप भी, तो कहने का मतलब सारा का सारा ये कि स्ट्रेस को दूर करना और जीवन जीना सिखाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा जो आप कुछ मैसेज ऐसा जो हमें देख रहे हैं उनको देना चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े, आपके साथ जुड़े, संस्था में आए, तो लोगों को रियल जो लाइफ क्या है उसके बारे में पता चल सके, तो मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? मैसेज मैं सभी को यही देना चाहती हूँ कि इस शिवरात्रि आप सब अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाने का प्रतिज्ञा करें, मन में संकल्प करें, और सब एक स्ट्रेंथ जो है, अपनी इनर स्ट्रेंथ जिसको हम कहते हैं आत्मिक शक्ति, जो क्या है, हमारे विचारों में ही है, हमारी सोच में ही है, और वो आत्मिक शक्ति को जागृत करने के लिए आप ज़रूर जो आपके नज़दीकी मेडिटेशन सेंटर्स हैं ब्रह्मा कुमारीज़ के, वहाँ जा कर के सीखें। और ब्रह्मा कुमारीज़ में आपको बात बता दूं, ज़्यादातर लोग समझते हैं शायद ब्रह्मा कुमारीज़ में जाने से हम परिवार से डिटैच हो जाएंगे, सोसाइटी से अलग हो जाएंगे, या कुछ हमारे मन में कुछ अलग सा वैराग्य जाग जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रह्मा कुमारीज़ का ज्ञान ऐसा है जो आपको आपके परिवार से कनेक्ट कर देता है, जोड़ देता है, आपके संबंधों को इतना मीठा और स्ट्रांग बना देता है कि आप सोसाइटी में भी एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन करके आते हैं, और सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन सोसाइटी के लिए और सभी के लिए आप फ़ायदेमंद होना शुरू हो जाते हैं। जी जी, आपने बिल्कुल, जैसा कि दीदी ने अभी बताया, ये भ्रांतियाँ लोगों के अंदर फैली हुई है कि वहाँ पे जाते हैं तो
जो रिश्ते होते हैं, रिश्ते भाई बहन, जैसे हस्बैंड वाइफ जाते हैं, तो ऐसा सुनने में आया है कि उनको भाई बहन के ही आपस में नजरिए से देखा जाने लगता है, या वो खुद भी इस तरीके से देखने लगते हैं एक दूसरे को, तो इस बारे में लोगों की भ्रांतियाँ, तो इसका थोड़ा सा क्लियर करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ये बहुत सही आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन होती है। एक्चुअली क्या होता है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी घरों से आते हैं, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ अगर दोनों ही सेंटर पे आ रहे हैं, तो उन्हें आपस में हम एक दूसरे को भाई बहन बोलने के लिए नहीं कहते हैं। जी जी, ये जो भाई बहन शब्द है, ये सिर्फ जो हम सरेंडर टीचर्स हैं, यानी जो मेडिटेशन क्लासेस दे रही हैं, क्योंकि हमने क्या है, पूरे विश्व को ही अपना परिवार बनाया, हमने कोई एक हद का परिवार नहीं बनाया, तो इसलिए हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। और क्योंकि हमारा फिजिकल कोई रिलेशन नहीं है उनके साथ, तो इसलिए हम उनको आत्मिक दृष्टि से, एक सोल कॉन्शियसनेस से, हम उनको भाई जी या बहन जी बोलते हैं। तो ये हम बोलते हैं, ये शब्द हम प्रयोग करते हैं जो सेंटर्स पर मेडिटेशन सिखाती हैं, लेकिन जो घरों में रहते हैं वो आपस में कभी भी एक दूसरे को भाई बहन नहीं बोलेंगे, युगल कभी भी नहीं बोलेंगे, या और कोई रिश्ता है वो नहीं बोलेंगे। हाँ, एक ही सेंटर पे जो अलग अलग घरों से लोग आते हैं, वो एक दूसरे को भाई जी बहन जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि ये हमारा एक ईश्वरीय परिवार है। देखिए, फिजिकल कोई रिलेशन ना होते हुए भी हमने एक आत्मिक रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिया है। हम कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो उसमें तो सिर्फ भाई भाई बोला, तो किस कंसेप्ट से भाई भाई बोला, सोल कॉन्शियसनेस के कंसेप्ट से हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हैं। तो यहाँ पर भी वो आत्मिक दृष्टि को पक्का करने के लिए, लेकिन आत्मिक दृष्टि हमेशा नहीं रह सकती, कहीं ना कहीं हम बॉडी को तो देखेंगे ना कि मेल है फीमेल है, बच्चा है बुजुर्ग है, तो उस कारण से फिर हमने ये शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कोई चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो भ्रांतियाँ आप लोगों के दिमाग में थी, या जैसा कि आपके माइंड में ये सोचते थे, बहुत से लोग इसी तरह से सोचते थे कि ऐसा होता है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपकी जो समस्या थी या दुविधा थी आपकी, वो सब दूर हो गई होगी। तो दीदी जी, हमारे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही लोगों को जीवन जीने का रास्ता देते रहेंगे, उनको अच्छे नक्शे कदम पर, अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते रहेंगे, आपसे यही उम्मीद करते हैं। आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू वेरी मच। सिस्टर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। 2 मिनट पहले हम साइलेंस का अनुभव करेंगे, थोड़ी देर के लिए मन को स्थिर करने पहले। ऊर्जा देने का साधन क्या है, है ना? ऊर्जा देने का साधन है मेडिटेशन, है ना? जो ध्यान हम करें थोड़ी देर, अपने मन को बाहर की सब बातों से निकालकर और अपने अंतर जगत के ऊपर अगर हम केंद्रित करेंगे, तो उससे हम जो पूरा ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, उसमें जो एक सकारात्मक ऊर्जा है, या जिसे आप ओम कहते हो, परमात्मा की ध्वनि कहते हो, आप अनादि अविनाशी शिव कहते हो उसे, उस ऊर्जा को आप अपने अंदर भर सकते हो। और वो भरी हुई ऊर्जा आप जो बाकी खाली आत्माएं हैं, जो डिस्चार्ज बैटरियां हैं, उनको देकर के आप चार्ज कर सकते हैं। तो शिव परमात्मा इस समय आए हुए हैं क्योंकि वो सुपर पावर हाउस है, इस समय सभी आत्माओं की बैटरी को चार्ज करने के लिए आए हैं। लेकिन वो बैटरी कैसे चार्ज होगी, कैसे उस शिव परमात्मा से, सुपर पावर हाउस से हम जुड़ें, क्या उससे हम संबंध बनाएं जिससे कि हमारा जीवन जो है वो ऊर्जा और शक्तियों से, पॉजिटिविटी से भरपूर बन जाए, उसका संदेश लेकर के आती है शिवरात्रि। तो शिवरात्रि की आज भी शिव बाबा ने सुबह सुबह हम बच्चों को, जो हमारा एक डेली मुरली क्लास होता है, डेली ज्ञान का क्लास होता है, उसमें आज हम सबको बधाई दी। आप सबको बधाई हो आपके नए जन्मदिन की। नया जन्मदिन समझते, एक तो शरीर का जन्म होता है जो सबको माँ बाप ने दिया, ये है ज्ञान का जन्म, ये है आत्मा का जन्म, ये है सकारात्मकता का जन्म। तो सबसे पहले मैं शिवरात्रि के बारे में सबसे पहली बात ये बताना चाहूंगी कि आप देखो, शिव रात्रि कहा जाता है, रात्रि को ये 24 घंटे वाली रात नहीं है,
ये रात्रि है इस सृष्टि पर घोर अंधियारी रात्रि, यानी कलयुग, अज्ञानता की रात्रि, जब मनुष्य आत्माओं के जीवन में ऐसी घोर अंधकारी रात हो जाती है, अज्ञानता की अंधकारी रात हो जाती है, जब मनुष्य अपने आप को ही भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पर किस लिए हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, पाप कर्म करने के लिए हुआ है क्या, या पुण्य कर्म करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, क्या सिर्फ एक दैनिक दिनचर्या जीने के लिए मेरा जन्म हुआ है, या कुछ अलग हट करके कुछ श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। तो इन सब बातों की जब अज्ञानता होती है मनुष्य को, सिर्फ मनुष्य भौतिक पदार्थों में ही लग लग करके अपनी ऊर्जा को खत्म करने लगता है, क्योंकि ये शरीर तो भौतिक है, इस शरीर को भोग भोग करके आत्मा की ऊर्जा जो है वो सिर्फ नष्ट होती है, लेकिन ऊर्जा को बढ़ाने का साधन जब उसे पता नहीं है, या ऊर्जा में टिकने का उसको तरीका मालूम नहीं है, तो ऐसे समय पर स्वयं निराकार शिव परमात्मा आते हैं, इसलिए उसके आने को कहा जाता है शिव रात्रि। रात्रि शब्द से इसीलिए उसका संबंध है, आकर के घोर अंधकारी रात में वो ज्ञान का प्रकाश करते हैं। आपने कभी भी शंकर रात्रि नहीं सुना होगा, कोई भी देवी देवता के नाम के बाद रात्रि शब्द नहीं लगता है, क्योंकि किसी भी आत्मा में इतनी ताकत नहीं है जो अज्ञानता के अंधकार को नष्ट कर सके, लेकिन केवल एक शिव निराकार परमात्मा है जो आकर के अज्ञानता की रात्रि को खत्म कर देते हैं। तो ऐसे निराकार शिव परमात्मा का यादगार दिवस, अवतरण दिवस जो है वो शिवरात्रि। बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है, तो इसमें हमारे जवान, हमारे ऑफिसर, इनको पूरे भारत में हर जगह, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, या फिर कश्मीर हो, कहीं पे भी हमेशा ड्यूटी करने के लिए जाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। बहुत सारी विषम परिस्थितियों में ये लोग वहाँ पे ड्यूटीज़ करते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कई महीनों तक वो अपने परिवार से नहीं मिल पाते, ड्यूटीज़ पर जाते हैं, छुट्टी नहीं मिलती है, पीछे से बच्चे बीमार हो जाते हैं, फैमिली में प्रॉब्लम आती है, घर में किसी की मौत होने पर भी वो नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में क्या है कि हमारे जवानों को या फोर्सेज में सबको स्ट्रेस जो है होना बहुत स्वाभाविक है, तो इस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए हम लोग अपने जवानों को समय समय पर योगा की क्लास वगैरह दिलाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं। ब्रह्म कुमारी के साथ सीआरपी का भी काफ़ी गहरा संबंध है, क्योंकि माउंट आबू में हमारी एक एकेडमी है जहाँ पे हम लोगों की ट्रेनिंग होती, मतलब हमारे ऑफिसर्स की और जवानों की ट्रेनिंग होती है, और माउंट आबू में ही इनका भी हेड ऑफिस है ब्रह्म कुमारी का। तो जब भी कोई कोर्स के लिए कोई जवान या ऑफिसर ये लोग जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो इन लोगों के लिए 2-4 दिन ऐसे क्लासेस जरूर रखते हैं ब्रह्म कुमारीज में, ताकि हमारे जो ऑफिसर्स हैं या जवान हैं उनको कैसे स्ट्रेस होता है, इसको ओवरकम कैसे करना है, और क्योंकि शारीरिक तौर पे तो ये बहुत स्ट्रांग होते ही हैं, लेकिन मानसिक तौर पे भी इनको स्ट्रांग होना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग मेडिटेशन पर काफ़ी जोर देते हैं। और मुझे लगता है कि वैसे पोस्ट ही नहीं, हम लोगों की आम ज़िंदगी में भी मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। स्ट्रेस तो हम सबको वैसे आम लाइफ ज़िंदगी में भी बहुत रहता है, किसी को बच्चों का, फैमिलीज में स्ट्रेस होता है। अभी पिछले एक साल से तो कोविड की वजह से हम लोग घर में ही बैठे हुए हैं, और घर में बैठ के बहुत सारा लोगों को डिप्रेशन और स्ट्रेस की प्रॉब्लम हुई है पिछले एक साल से ही। तो हम सबको ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़ना चाहिए, मेडिटेशन की क्लासेस लेनी चाहिए। एक बार फिर से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।